लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अल्केन्स का नॉमनक्लेचर डिस्कस किया था, और इसमें हम लोगों ने स्टेप नंबर वन देखा था, जो हम लोग पेरेंट कंपाउंड को नंबर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने स्टेप नंबर टू देखा था, सॉरी स्टेप नंबर वन था कि पेरेंट कंपाउंड को डिटरमिन करते हैं, स्टेप नंबर टू था पेरेंट कंपाउंड को नंबर करते हैं, स्टेप नंबर थ्री था कि हम सब्स्टिट्यूएंट्स को लोकेट करते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम चिल्ड्रन का नाम भी यूज करते हैं, या इसके लिए आप फंक्शनल ग्रुप का नाम भी यूज कर सकते हो। इसके बाद आपके पास है मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग टेक्निक्स थी। स्टेप नंबर फाइव से ऑनवर्ड्स हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर फाइव आपके पास ये है कि आपके पास अगर एक ही कार्बन एटम, लाइक मैं लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल करवा रहा था, इसमें ये कार्बन एटम है जिसके ऊपर दो CH3 लगे हुए हैं, ठीक है, और लेट्स से ये कार्बन की लोकेशन है 3, तो इसको मैं लिखूंगा 3, 3, और चूंकि मिथाइल दो दफा लगा हुआ है तो इसके लिए मैं डाई मिथाइल लव्स यूज करूंगा, ठीक है। अच्छा, पिछले स्टेप्स के अंदर मेरे से एक चीज स्किप हो गई थी जो मैं आपको बताना भूल गया था। जब आप लिखते हो ना, जैसे आपके पास टू लोकेशन के ऊपर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको लिखने का तरीका यह है कि आप लिखते हो टू, फिर आप लगाते हो एक हाइफन या एक डैश कह लो, या एक माइनस का साइन कह लो, ठीक है, टू हाइफन इथाइल, टू डैश इथाइल, ठीक है, आप इसको यूं लिखते हो। और अगर आपके पास दो चीजें लगी हुई है, मसलन आपके पास टू लोकेशन के ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है और आपके पास थ्री लोकेशन पे एक इथाइल लगा हुआ है, तो इसको आप यूं लिखते हो, आप लिखोगे टू हाइफन मिथाइल, थ्री हाइफन इथाइल, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान भी आप एक हाइफन लगाओगे, ठीक है, तो टू हाइफन मिथाइल हाइफन थ्री हाइफन इथाइल, आप इसको यूं नाम दोगे, ठीक है। तो एक और चीज मैंने आपको मिस कर दी थी, वो भी आपको बता देता हूं। अगर आपके पास लेट से एक कोई एक मिथाइल भी लगा हुआ है और कोई एक इथाइल भी लगा हुआ है और कोई एक प्रोपाइल भी लगा हुआ है, तो आप ये करोगे कि सबसे पहले आप किस चीज को नाम दोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आप फॉलो करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि एबीसी में सबसे पहले ई आता है, एम आता है या पी आता है। एबीसी में क्या आता है, सबसे पहले आता है आपके पास ई, तो आप नंबर यूं करोगे 3 हाइफन इथाइल, ई के बाद आपके पास एबीसी में क्या आता है, एम एन ओ पी, एम पहले आता है, ठीक है, फिर आप लिखोगे हाइफन 2 हाइफन मिथाइल, और सबसे एंड पे आपके पास आता है प्रोपाइल, लेट से प्रोपाइल 5 लोकेशन के ऊपर लगा है, तो आई वुड राइट 3 इथाइल 2 मिथाइल हाइफन 5 हाइफन प्रोपाइल, ठीक है। तो ये इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों का स्टेप नंबर 5 डिस्कस हो गया। स्टेप नंबर 5 हमारा जो था वो ये था कि अगर एक ही लोकेशन पे आपके पास दो लगे हुए हों तो फिर हम उसको कैसे डील करते हैं, ठीक है। इन एग्जांपल्स में कोई ऐसा है जिसमें एक ही लोकेशन पे दो लगे हुए हों? इनमें ऐसा कोई नहीं है। नीचे जाके देख लेते हैं, नीचे जरूर ऐसा कोई होगा, लेट्स से दिस वन। ये जो आपकी एग्जांपल है इसमें सबसे पहले हम इस पे सारे स्टेप्स अप्लाई करते हैं। स्टेप नंबर वन हम अप्लाई करते हैं, पेरेंट ग्रुप आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है, और इसमें तीन कार्बन एटम्स हैं, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं नाम दूंगा प्रोपेन। तो पेरेंट कंपाउंड मेरे पास प्रोपेन हो गया। फिर दूसरा स्टेप ये है कि नंबर द पेरेंट कंपाउंड। अगर मैं इसको इस साइड से नंबर करता हूं 1, 2, 3, तो टू लोकेशन पे कुछ लगा हुआ है, और अगर मैं इस साइड से करूं 1, 2, 3, तो अगेन टू पे लगा हुआ है, तो डजंट मैटर मैं जिस मर्जी साइड से करूं आपकी टू ही लोकेशन मिलेगी सब्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है। सो मैं इसको इसका नाम भी स्किप हो गया था, हाँ, तो मैं इसको यहां से नंबर करना स्टार्ट करता हूं 1, 2, 3, ठीक है। टू लोकेशन के आपके ऊपर टू पे एक मिथाइल लगा हुआ है और अगेन टू ही पे एक और मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, और आपका पेरेंट ग्रुप है प्रोपेन। तो इसको लिखने का तरीका यह होता है कि अगर आपकी ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ये एक ही चीज है, ठीक है, तो मैं इसको यूं लिखूंगा, मसलन मैं इसको यूं, एक तो लिखने का तरीका ये है ना कि टू मिथाइल हाइफन टू मिथाइल और एंड पे कंपाउंड का नाम प्रोपेन, ठीक है, एक तरीका ये है। और ये जो तरीका है ये गलत है, जो ठीक तरीका है वो ये होगा टू टू, और जब दो नंबर्स हैं तो इनको हम हाइफन से सेपरेट नहीं करते, इनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है, टू कॉमा टू, और फिर इसके आगे फिर मैं हाइफन से सेपरेट करूंगा। और अब एक मिथाइल तो नहीं है ना, बेसिकली टू कॉमा टू का मतलब हो गया मैं दोनों का जिक्र इकट्ठा कर रहा हूं, तो फिर मैं यहां पे डाई मिथाइल लिखूंगा,
ठीक है, 2,2 डाइमिथाइल, और ये बेसिकली एक प्रोपेन बना हुआ है, ठीक है, प्रोपेन। तो ये जो कंपाउंड बना हुआ है इसका नाम है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, राइट। तो ये आपका स्टेप नंबर नंबर 5। इसके बाद हमारा आ गया स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में आपको यहां ओरली ही बता देता हूं बिकॉज इट इज नॉट दैट लॉन्ग। स्टेप नंबर 6 आपके पास सिंपली ये है कि अगर आपके पास एक ही कार्बन पे, लेट्स से इस टू लोकेशन के ऊपर, एक CH3, एक मिथाइल लगा हुआ होता और एक इथाइल लगा हुआ होता, फिर हम इसको क्या नाम देते? फिर हम इसको नाम देते 2-मिथाइल। अब मिथाइल में M आता है, इथाइल में E आता है, तो मैं पहले इथाइल लिखूंगा बिकॉज E पहले आता है। 2-इथाइल-2-मिथाइल और फिर एंड पे प्रोपेन, ठीक है। तो फिर इसका नाम ये हो जाता, ठीक है। ये आपका स्टेप नंबर 6। बेसिकली स्टेप नंबर 5, 6 ये कुछ मिलते जुलते ही हैं। इन दोनों में हम सिर्फ एक चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल सब्सिट्यूएंट्स जो हैं वो एक ही कार्बन के ऊपर लगे हुए हों तो फिर आप उसको कैसे नाम देते हो? तो बेसिकली अगर वो दोनों एक ही हों तो फिर आप डाई या ट्राई यूज कर लेते हो या टेट्रा यूज कर लेते हो 2, 3 और 4 के लिए, ठीक है। और इवन ये जो डाई में और जो टेट्रा और ये वाले जो मैं आपको तीन लफ्ज बताए, ये जरूरी नहीं है कि वो दो ही के ऊपर यूज किए जाए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। अब आपके पास इस ये जो एग्जाम्पल नंबर ई है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, क्योंकि ये अजीब सी बनी हुई है, इस पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन चलो हम देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मेरे ख्याल में ये इसकी सबसे लंबी चेन बन रही है। चेक कर लेते हैं कोई और तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो मैंने नंबर किया है ये बेसिकली सबसे लंबी चेन है, ठीक है। अब जो मैंने नंबरिंग की है, क्या ये नंबरिंग ठीक है? आप देखो, 4 लोकेशन पे कुछ चीज लगी हुई है, एक 5 पे लगी हुई है और एक 6 पे लगी हुई है, ठीक है, 4 पे, 5 पे और 6 पे, ठीक है। और अगर मैं ऑपोजिट ऑर्डर में इसको नंबर करूं, यानी 1, 2, मैं इसको डार्क कलर से नंबर कर देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब आप देखो कौन कौन सी लोकेशन पे कुछ लगा हुआ है। अब आप देखो आपके पास 3 लोकेशन पे कुछ लगा हुआ है, ठीक है, आपके पास 4 लोकेशन पे कुछ लगा हुआ है, आपके पास 5 लोकेशन पे। अब 3, 4, 5 और 4, 5, 6, 3, 4, 5 आर स्मॉलर नंबर, सो आई वुड गो फॉर दिस नंबरिंग, 3, 4, 5 वाली, ठीक है। ये आपके स्टेप 1, 2 कवर हो गए। इसके बाद आपने क्या देखना होता है कि जो आपके सब्सिट्यूएंट्स हैं ये कहां कहां पे लगे हुए हैं। आपके 3, 4 और 5 के ऊपर सब्सिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। अब सब्सिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? 3 लोकेशन के ऊपर आपके पास एक मिथाइल लगा हुआ है, 3 के ऊपर एक मिथाइल है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास लोकेशन 4 के ऊपर एक इथाइल है, 4 के ऊपर एक इथाइल है, और अगेन 5 के ऊपर एक और इथाइल है, ठीक है, 5 पे भी एक इथाइल ही है, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखें थोड़ा सा डिटेल में, इसको हम नाम क्या देंगे फिर इस वाले कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड ई है, कंपाउंड ई को नाम देने के लिए मैं लिखूंगा, अब इथाइल में ई पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो मैं लिखूंगा 4,5, क्योंकि इथाइल दो दफा आ रहा है, तो मैं इथाइल इथाइल दो दफा नहीं लिखूंगा, एक ही दफा लिखूंगा 4,5, फिर नंबर्स के दरमियान कॉमा होता है, और फिर दो दफा इथाइल है, सो आई वुड राइट डाई इथाइल, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं अगेन एक हाइफन लगाऊंगा, और फिर मेरे पास 3 लोकेशन पे एक मिथाइल पड़ा हुआ है, 3 पे एक मिथाइल पड़ा हुआ है, और एंड पे मेरे एक्चुअल पेरेंट कंपाउंड का इसमें नाम क्या था, ये मेरे पास 8 कार्बन था पेरेंट कंपाउंड के कार्बन से, सो आई वुड राइट ऑक्टेन। सो इस कंपाउंड का नाम है 4,5-डाई इथाइल 3-मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। तो ये आपके स्टेप नंबर 5 और 6 कवर हो गए। इसके बाद आपके पास आ गया स्टेप नंबर 7। हम लोगों ने स्टेप नंबर 5, 6 को इकट्ठे ही डिस्कस कर लिया था। अब मैं आपको स्टेप नंबर 7 और 8 जो है, अगेन ये मैं आपको इकट्ठे बता देता हूं। स्टेप 7 और 8 जो आप लोगों ने चेक करने हैं वो क्या है? स्टेप नंबर 7 और 8 सिंपली दो चेक्स हैं, इसको आप चेक कह लो, कि जो आपने प्रीवियस नंबरिंग की है उसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है। जब आप लोगों ने स्टेप नंबर 1 के अंदर पेरेंट कंपाउंड ढूंढा था, पेरेंट
कंपाउंड। अब हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी जिसमें ऐसे हो रहा था कि एक से ज्यादा तरीके से नंबरिंग की जा सकती थी। ठीक है, अगर मैं आपको बुक ही की एग्जांपल से कोट करूं, लेट्स से कि कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, आपके पास हो गए 7 कार्बन। ठीक है, और इसके बाद आपके सेंट्रल कार्बन से कार्बन कार्बन कार्बन, एंड बाकी आपके पास 2 कार्बन और यहाँ पे आपके पास 1 कार्बन। ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें नंबरिंग किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं सबसे लंबी चेन देखूँ कौन सी है, सबसे लंबी चेन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और अगर मैं स्ट्रेट चेन में जाता 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से भी 7 और दूसरे तरीके से भी, इस वाले तरीके से मैं यू नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब अगर आप देखो जो आपका पहला वाला केस है जो ग्रीन से मैंने नंबर किया है, उस ग्रीन वाले के साथ एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है बड़ा सा, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट 1 कह लो, एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा। ठीक है, यानी आपके पास टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, आपके पास 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि जो हम लोगों ने रेड से नंबरिंग की है, हम उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं कि उसमें कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए। रेड से जो नंबरिंग की है उसमें 1 2 3 और 4 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए। ठीक है, तो आपने सब्स्टिट्यूएंट्स को इस तरीके से देखना होता है कि जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो आपने वो वाली चेन लेनी है। अब दोनों तरीकों से बन तो हेप्टेन ही रहा है, देखें पेरेंट कंपाउंड में 7 ही एटम्स हैं, अगर मैं रेड वाली नंबरिंग फॉलो करूं या मैं ग्रीन वाली फॉलो करूं। ठीक है, हेप्टेन तो है लेकिन जो रेड वाली नंबरिंग है उससे हमें फायदा ये हो रहा है कि आपके पास 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 4 सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो आपने वो वाली चेन चूज करनी होती है जिसमें देर आर मोर सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 7 हो गया आपके पास। अच्छा, स्टेप नंबर 7 में ये जो ऊपर मैंने एग्जांपल में नंबरिंग की है, आपके ख्याल में ये ठीक नंबरिंग हुई भी है? आप देखो पहला सब्स्टिट्यूएंट है लोकेशन 3 पे, दूसरा है लोकेशन 4 पे, तीसरा 5 पे और चौथा 6 पे। अगर मैं इसी चेन को ऑपोजिट ऑर्डर में नंबर करता 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास नंबरिंग कुछ यूं हो जाती 2 3 4 और 5 लोकेशन पे मेरे पास 4 लगे। तो बेसिकली जो मैंने ऊपर आपकी नंबरिंग की है ना, ये वाली बेसिकली करेक्ट नंबरिंग होगी। ठीक है, यानी आपके पास स्मॉलर नंबर्स शुड बी गिवन टू द सब्स्टिट्यूएंट्स, नॉट द बिगर नंबर्स। अच्छा, ये आपके पास हो गया स्टेप नंबर 7 डिटेल में। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 8 के ऊपर। स्टेप नंबर 8 के लिए अगेन मैं आपको बुक ही वाली एग्जाम्पल कोट करता हूं। आपके पास कार्बन 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 6 कार्बन हो गए, यहाँ पे आपके पास 1 कार्बन और फिर आपके पास कार्बन और फिर कार्बन। ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इसकी नंबरिंग हम किस ऑर्डर में करेंगे। अगर आप यूं चलो 1 2 3 4 5 6, तो क्या ये ठीक है? आपके पास सबसे बड़ी यही बन रहा है ना, 6 ही बन रहे हैं। ठीक है, और आप यूं भी तो चल सकते थे, अगर आप यहां पे 1 दे दो और इसको 1 ना कहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको 1 कह देते हो तो यहां पे एक सी लगा हुआ है 2 लोकेशन पे, अगर आप इसको 1 कह देते हो तो यहां पे एक सी लगा हुआ है 2 लोकेशन पे। ठीक है, तो यू कैन गो एनी वे। तो हम इस बड़ी वाली ऊपर स्ट्रेट चेन को फॉलो करते हैं 1 2 3 4 5 6। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन सी लोकेशन पे लगे हुए हैं। एक लगा हुआ है 2 पे, एक लगा हुआ है 4 पे और एक लगा हुआ है 5 पे। ठीक है, तो 2 4 और 5 आपके पास 3 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में नंबर करूं 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास जो नंबरिंग बन रही है सब्स्टिट्यूएंट्स की वो बन रही है 2 3 एंड 5। ठीक है, 2 3 और 5, 2 4 और 5, अब एक्चुअली इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, इन दोनों में से कौन सा वाला चूज किया जाए। ठीक है, अब आपने वो वाला चूज करना होता है। वैसे तो आप इसको खुद ही अब इमेजिन कर सकते हो, 2 3 5 ज्यादा बेहतर है बिकॉज ये छोटे नंबर्स असाइन हो रहे हैं। जो रीजन है इसकी वो ये है कि जो आपके पास पहला और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो आप लगा रहे हो, ठीक है, इनका जो आपस में डिफरेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का, यानी अगर मैं इस साइड से चेन को नंबर करना शुरू कर रहा हूं 1 2 3 करके, पहला सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है, और इन दोनों कार्बन एटम्स में आपस में कोई डिफरेंस नहीं है, 2 और 3 के दरमियान कोई और कार्बन
नहीं है, लेकिन अगर आप इस साइड से 1 2 3 फॉलो करो तो आपके पास पहले सब्स्टिट्यूएंट में ये है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये है और दरमियान में एक एक्स्ट्रा कार्बन भी है, ठीक है। यानी आपके पास जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है वो 2 3 5 वाली लोकेशन से आ रहे हैं, ठीक है। सो मैं ये जो ऊपर वाली मेरी नंबरिंग है मैं इसको फॉलो करूंगा, ठीक है, ये वाली नंबरिंग। तो आपके पास इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, 2 लोकेशन पे आपके पास मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है और 5 पे भी मिथाइल है, तो मैं इसको कॉमा से सेपरेट करके यूं लिखूंगा 2, 3, 5, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, हाइफन लगाऊंगा, इसके बाद कॉमा नहीं आएगा, सॉरी 2, 3, 5 के ऊपर मेरे पास कितने मिथाइल हैं, 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए, ट्राई मिथाइल, ठीक है। और जो पेरेंट ग्रुप था उसमें 6 कार्बन एटम्स थे, तो इट इज बेसिकली हेक्सेन, ठीक है। 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन इस कंपाउंड का नाम हो गया, ठीक है। सो डेट्स इट, ये आपके सारे स्टेप्स हो गए। अब हम ये करते हैं कि हमने जो एग्जांपल्स अभी तक स्किप की हैं हम उनको ट्राई कर लेते हैं। ये जो सारी एग्जाम्पल्स थी हमने ऑलमोस्ट कर ली है, इधर नीचे कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, हम इनको ट्राई करते हैं। सबसे पहले सिंपल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास 4 कार्बन एटम्स हैं, मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, 4 कार्बन एटम्स हैं और मैं यहां से अगर स्टार्ट करूं 1 2 3, या अगर मैं स्ट्रेट पे कर देता तो 2 लोकेशन पे एक मिथाइल लगा हुआ, ठीक है। तो डजंट मैटर, मैं इसको नाम दूंगा 2-methyl और पेरेंट जो मेरे पास ग्रुप है वो बेसिकली एक प्रोपेन है, 2-methyl 2-methyl और प्रोपेन, ठीक है। ये इसका कम नाम हो गया 2-methyl propane। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें आपके पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो देख के नजर आ रही है, यही वाली है 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं ऑपोजिट ऑर्डर में भी करूं तो 4 ही लोकेशन पे लगा हुआ, यू भी करूं तो 4 ही लोकेशन पे एक फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने ये वाली नंबरिंग इसलिए नहीं की 1 2 3 4 5 बिकॉज वो चेन छोटी होती और हमें सबसे लंबी वाली चेन चाहिए होती है। सो ये एक बेसिकली पेरेंट ग्रुप इज, पेरेंट कंपाउंड इज हेप्टेन और आपके पास 4 लोकेशन पे एक इथाइल लगा हुआ है, 2 कार्बन वाला इथाइल, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा 4-ethyl heptane, तो ये इस कंपाउंड का नाम है 4-ethyl heptane। ये जो आपके पास नीचे एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आपके पास जो लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4, अब आप इसको 5 6 7 8 यू भी कर सकते हो और 5 6 7 8 यू भी कर सकते हो। अब डजेंट मैटर आपका, अगर आप ऊपर वाली नंबरिंग फॉलो करो, ये वाली नंबरिंग फॉलो करो, तो आपका बेसिकली 3 लोकेशन पे और 5 लोकेशन पे कुछ लगा हुआ है, ठीक है। और अगर आप नीचे वाली नंबरिंग फॉलो करो तो आपके पास अगेन 3 और 5 लोकेशन पे कुछ लगा हुआ है, तो आप जो नंबर मर्जी नंबरिंग फॉलो कर लो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट्स से हम लोग ये वाली नंबरिंग फॉलो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपके पास ये एक ऑक्टेन है, ठीक है। आपके पास 3 लोकेशन पे और 5 लोकेशन पे 2 चीजें लगी हुई है, ठीक है। आपका एक प्रोपाइल लगा हुआ है, 3 कार्बन वाली चीज, और एक आपके पास इथाइल मिथाइल लगा हुआ है, सिंगल कार्बन वाली चीज, ठीक है। प्रोपाइल आपका लगा हुआ है 5 लोकेशन पे और मिथाइल आपका लगा हुआ है 3 लोकेशन के ऊपर, ठीक है। और M चूंकि पहले आता है P से, तो पहले मैं मिथाइल को रिप्रेजेंट करूंगा। दिस इज बेसिकली 3-methyl-5-propyl एंड देन ऑक्टेन, 3-methyl-5-propyl-octane इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके अलावा और भी हैं, बड़े मजे मजे की हैं, चले हम बस इसके बाद 2-3 और कर लेते हैं। आई थिंक इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। इस कंपाउंड के अंदर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी के कौन सी सबसे लंबी चेन है। लेट्स सी, लेट्स से आपका एग्जाम का पेपर आ गया, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये तो था कि अगर मैं इसको सीधा सारों को देखूं तो 7 बन रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 यूं भी 7 ही बन रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके 7 तो बहुत सारे तरीकों से, मेरे ख्याल में 7 से ज्यादा इस पे नहीं बन रहे, तो बेसिकली यह एक हेप्टेन ही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज हमने देखनी है कि इस हेप्टेन पे अगर ये जो अभी रेड से मैंने नंबरिंग की हुई है, अगर मैं इस तरीके से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7, तो अब मुझे लग रहा है कि इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ पता है क्या है, आपके पास 4 लोकेशन पे 2 चीजें लगी हुई हैं, एक ये और एक ये पूरा,
दो चीजें लगी हुई हैं। और अगर मैं नंबरिंग थोड़ी डिफरेंट ऑर्डर में करूं, ठीक है, नंबरिंग लेट्स से मैं कुछ ऐसे करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ ये तो हमने गलती कर दी थी, ये बेसिकली हेप्टेन नहीं है, ये आपके पास एक ऑक्टेन है, 8 कार्बन से। अच्छा, इस तरीके से अगर आप ऑक्टेन बनाओ तो आपके पास जो 3 लोकेशन पे कुछ लगा हुआ है, 3 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, 4 पे आपके पास एक इथाइल लगा हुआ है और एक प्रोपाइल लगा हुआ है, ठीक है, और अगेन 5 पे आपके पास एक इथाइल लगा हुआ है और एक और इथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास 5 फंक्शनल ग्रुप्स हैं और इस चेन में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा है, और इसके अलावा कोई और चेन आप बना भी नहीं सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 आप इस तरीके से आ सकते हो, यानी इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 देके, लेकिन उस तरीके से आपके पास ये होगा कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कम हो जाएंगे उस वाली चेन पे, इस वाली चेन पे सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब इसको मैं नाम कैसे दूंगा, हम सबसे पहले इथाइल रिप्रेजेंट करेंगे, फिर मिथाइल और फिर प्रोपाइल, बिकॉज हम अल्फाबेटिक ऑर्डर पे चल रहे हैं। इथाइल आपके पास कितने हैं, 3 इथाइल्स, एक 4 पे 2 5 पे, ठीक है, 4 5 5 पे 3 इथाइल्स लगे हुए हैं, ठीक है। और मैं इसको ट्राई लिखूंगा, 4 5 5 ट्राई इथाइल, ठीक है, और फिर मेरे पास 3 लोकेशन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, फिर डैश 3 पे एक मिथाइल लगा हुआ है। अच्छा, इसको हाइफ़न्स मिस ना किया करें, इसमें से 3 मिथाइल हो गया, और इसके बाद आपके पास एक 4 लोकेशन पे एक एक्स्ट्रा प्रोपाइल भी लगा हुआ है, फिर डैश 4 प्रोपाइल, ठीक है, और इस तरीके से आपका एंड पे ऑक्टेन, ये आपका नाम बन रहा है इस कंपाउंड का, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये नाम ठीक है। अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता, 1 2 3 4, अगर मैं यूं चलता तो बेसिकली मेरे पास 4 पे 2 चीजें लगी होती, 5 पे 2 लगी होती और एक 6 पे लगी होती। 4 5 6 और 3 4 5 में से 3 4 5 पर स्मॉलर नंबर्स, सो आपके स्टेप नंबर जो हमने 5 6 देखे थे वो भी सेटिस्फाई हो रहे हैं और आपके सारे स्टेप सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये चेक्स जो है ना एंड वाले 2 3 4 स्टेप्स थे वो आप लाजमी अप्लाई किया करो। सो ये बेसिकली इस कंपाउंड का नाम हो गया। दैट्स इट मेरे ख्याल में, हम ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये जो कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए हैं ये बेसिकली गलत लिखे हुए हैं। अब हमने देखना ये है कि इन कंपाउंड्स के ठीक नाम क्या हैं और हमने बताना है कि इसमें क्या गलती है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आपके पेपर में आते हैं, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि लेट से ये कह रहा है कि ये एक पेंटेन है, हम चेक करते हैं क्या ये पेंटेन है कि नहीं। 1 2 3 4 5 देख के लग रहा है ना कि पेंटेन है, लेट सी 1 2 3 4 5, अगेन पेंटेन, ओके। इसके बाद अगेन एक और ट्राई करते हैं, ओ सॉरी आई थिंक मैं लास्ट टाइम ये कार्बन स्किप कर दिया था, सॉरी बीच में से स्किप हो गया था। दैट्स इट फॉर अल्केन्स, मेरे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, सॉरी ये लेक्चर बहुत एक्सटेंड होता जा रहा है, सो हम इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही डिस्कस करेंगे, एक मैं रिवाइज करवा देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 हमने देखा था कि डिटरमिन द पेरेंट ग्रुप, ठीक है, और हमने पेरेंट ग्रुप डिटरमिन किया था कि उसमें कितने कार्बन होते हैं, और जो सबसे बड़ा पेरेंट ग्रुप बन रहा होता है हम वो कंसिडर करते हैं। स्टेप नंबर 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करके देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर है अल्केन्स के साथ, और हम अल्केन्स का नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।